आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल सेलेन एजुकेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उदाहरण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में लिखा हुआ है पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, आकार, भौतिक गुण, विद्युत चालकता, धनत्व आदि तो परिवर्तन होते हैं। तो ये होते हैं भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, अब मैं उदाहरण से आपको बताऊँगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर लिखा है तो परिवर्तन होते हैं लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये हो जाती है आपका भौतिक परिवर्तन की परिभाषा। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को इसका उदाहरण। जैसे लिखा हुआ है जल का बर्फ में बनना। जैसे आप लोगों ने जल का देखा होगा, जल जो है बर्फ़ में बन जाता है और बर्फ़ से जल बन जाता है, लेकिन इसमें जो है परमानेंटली यानी कोई हमेशा के लिए वह पदार्थ नहीं होता। अगर कोई पदार्थ जिस आकार में है और वह दोबारा वही आकार में भी बदल सकते हैं। उदाहरण मोमबत्ती का पिघलना। जैसे कि अगर मोमबत्ती का देखें, मोमबत्ती पिघल जाती है तो फिर वो पिघल कर हम लोग उसको फिर से बना सकते हैं उसी आकार का, लेकिन जो उसका धागा होता है, यहाँ पर लिखा है लेकिन उसका जो धागा होता है वह रासायनिक परिवर्तन होगा। तो मैंने आपको भौतिक परिवर्तन बताया है और रासायनिक परिवर्तन आपको बताऊंगा तो आप लोग को और एक्सप्लेन होगा। मोमबत्ती का जो धागा है वो है रासायनिक परिवर्तन में आता है मोमबत्ती का धागा, क्योंकि मोमबत्ती का जो धागा है वो हमेशा के लिए जल जाता है उसमें मोमबत्ती के साथ, तो वह उसको हम वापस नहीं बना सकते हैं। तो ये तो हो जाता है हमारा भौतिक परिवर्तन। आप जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है टॉपिक। आप जान रहे हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। तो लिखा हुआ है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। अतः पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तन होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। तो ये होता है, इसी को बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। जैसे लकड़ी का जलना। अगर लकड़ी जल जाती है फिर उसके बाद हम पुनः उसको नहीं बना सकते लकड़ी को, क्योंकि लकड़ी जलकर राख हो जाती है, फिर उससे क्या हम लकड़ी बना सकते हैं, और उसका आकार भी चेंज हो जाता है रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में ऐसा होता है कि जो वस्तु है वो वह हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाती है। जैसे लोहे में जंग लगना। अगर लोहे में एक बार जंग लग जाती है, कोई लोहा नया है एकदम, तो वह फिर से पुनः हम उसको नया नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जंग लग जाती है और उसमें भार में कमी आती है द्रव्यमान में। इसी प्रकार से भौतिक परिवर्तन में होता है कि द्रव्यमान में हो जाती है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में इतना होता है कि जो पदार्थ है वह पुनः बन सकता है भौतिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा के लिए चेंज हो जाता है, चेंजेस, केमिकल चेंजेस। ये है एक रासायनिक परिवर्तन को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये नेचुरल चेंजेस है ये, क्योंकि इसमें होते रहते हैं चेंजेस। जैसे कि हम लोग पेड़ का देखें तो पेड़ को हम अगर छोटे से बड़ा करेंगे तो क्या वो बड़े से छोटा हो जाएगा पेड़? नहीं होगा। तो रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार से नेचुरल चेंजेस भी कहा जा सकता है। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। आई होप आप लोगों को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा और उदाहरण सहित शब्द में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।